फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलेशन एंड वाइब्रेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। पहले मैं थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ कि ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन क्या है। सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है इसमें, क्योंकि ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन दोनों ही क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, साथ में पीरियोडिक मोशन है। दोनों ही क्या है, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, एंड इट इज अ पीरियोडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ठीक है, पीरियोडिक तो है ही, साथ में क्या है, टू एंड फ्रो मोशन भी है, दोनों ही है इस तरीके के। बट जो एक चेंज जो हम देखते हैं वो यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सिलेशन है, ऑक्सिलेशन में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है वहाँ पे बहुत ही कम होती है, बट वाइब्रेशंस के अंदर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते केस लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, मान लीजिए ये आप एक सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं इस तरीके से, और अगर ये देखते हैं आप इसको हमने यहाँ से छोड़ा और क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा और फिर लौट के यहाँ पे आ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटर के बाद ये फिर से रिपीट करेगा मोशन और ये फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया एक ऑक्सिलेशन का एग्जाम्पल। और अगर वाइब्रेशन में आप लेते हैं तो वाइब्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को आपने ऐसे स्ट्रिंग को जो उसका जो डोरी होती है उसको आपने पुश किया, तो स्ट्रिंग क्या करती है, बहुत जल्दी तेजी के साथ अपना वाइब्रेट करती है, मतलब आगे पीछे बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है, तो उस केस में क्या होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए तो बस एक यही इसके अंदर एक डिफरेंस है कि ऑक्सिलेशन के अंदर फ्रिक्वेंसी जो होती है बहुत कम होती है, वाइब्रेशन के अंदर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब ग्राफिकली यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये जो केस है पहला जो है वो है आपका ऑक्सिलेशन के लिए केस, और जो दूसरा वाला केस है वो है आपका वाइब्रेशन के लिए केस। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, एक जो चक्कर लगा रहा है वो मान लीजिए एक सेकंड में यहाँ पे एक चक्कर लगा रहा है, यहाँ से गया और फिर ये हुआ। बट आपका वाइब्रेशन के केस में क्या हुआ, इस तरीके से आपका ये बहुत सारे चक्कर लग रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब निकाल सकते हैं म्यू फ्रीक्वेंसी बराबर करते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर क्या एक चक्कर लग रहा है, एक पूरा चक्कर लग रहा है एक सेकंड में, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। दूसरे केस में जो हमारे यहाँ पर मान लीजिए अगर 7 चक्कर लग रहे हैं एक सेकंड में, तो यहाँ पर क्या होगी 7 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी जो होती है आपकी वाइब्रेशंस के इस केस में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीलेशन। एक यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज कोई और डिफरेंस यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू वेरी मच।